मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दो और व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली की मरकज जमात से खरगोन लौटे सहकार नगर निवासी 49 वर्षीय नूर मोहम्मद को कोरोना पॉजिटिव और फ्रांस में MBBS कर रहे आसन गांव निवासी 34 वर्षीय ललित पाटीदार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ नूर मोहम्मद की पत्नी को क्वारंटीन में रखा गया। नूर मोहम्मद की माँ की मौत होने के चलते नूर मोहम्मद की पत्नी को कुछ देर के लिए जनाजे के दौरान शामिल होने की अनुमति दी गई थी। DM ने संपूर्ण सहकार नगर में 3 किलोमीटर को कंटेनमेंट एरिया और 5 किलोमीटर तक बफर जोन एरिया में घोषित किया गया। पूरा इलाका सील कर दिया गया। वहीं आसन गाँव में भी ललित पाटीदार के घर से लेकर 3 किलोमीटर का एरिया कंटेनमेंट एरिया और 5 किलोमीटर का बफर जोन घोषित किया गया है। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। दो मरीजों की है जो दोनों ही हमारे यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। एक नूर मोहम्मद है जिनकी उम्र 49 ईयर्स है और एक मिस्टर ललित पाटीदार है जो कि यहाँ असल गांव के रहने वाले हैं और उनकी भी वो 34 ईयर्स के हैं। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये नूर मोहम्मद में मरकज से आए हैं क्या? मरकज से आए हुए हैं। क्या हिस्ट्री इनकी दोनों की? इनकी मरकज से ये मरकज से आए हुए हैं और इसके बाद जब कुछ दिन तो मालूम नहीं पड़ पाया मगर जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई थी वैसे ही इनके घर भेज के इनकी जांच की गई थी और इनको यहाँ पर एडमिट किया गया था। और दोनों पति पत्नी को एडमिट किया गया था कि दो ही लोग आए थे। तो पत्नी की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है मगर नूर मोहम्मद जी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और जो ललित पाटीदार जी हैं वो फ्रांस से आए हुए हैं और जो चूँकि मतलब वहाँ पे भी उनकी शायद जांच की गई थी मगर जो स्क्रीनिंग होती है तो स्क्रीनिंग के बाद उनको छोड़ा गया था। तो वो यहाँ पर अपने जुलवानिया तक कहीं बस से आए उसके बाद यहाँ अपने गांव में रहे हैं मगर उनको कुछ मतलब वो दिखाने आए थे OPD में कफ कोल्ड हो रहा था तो उनको एडमिट किया गया। तो उनकी भी जाँच की गई तो वो रिपोर्ट भी उनकी पॉजिटिव आई है। बिल्कुल तब DM के द्वारा SP साहब के द्वारा पूरा एरिया को लॉकडाउन कर दिया गया, कंटेनमेंट में ले गया, बफर जोन घोषित कर दिया गया है और सारी कार्रवाई की जा रही है जो हमको इस पूरे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। और अभी हमारी जो दो टीम बनाई जा रही है मतलब दो टीम बनेगी दोनों जगह के लिए और इनको जो सैंपल है जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके आज सारे जगह से सैंपल लिए जाएंगे। कमरे करीब 25-30 सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे और यही रिपोर्ट आज ही मतलब यहाँ से सैंपल रवाना कर दिया जाएगा। नूर मोहम्मद क्या किसी की डेट दी हुई है? हाँ उनकी माता जी की डेथ हुई है मगर हम जो उनकी पत्नी को है केवल लास्ट मोमेंट पे उनको वहाँ पे जो उनके रीति रिवाज है उसके लिए भेजा जाएगा आधे घंटे के लिए वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ और उसके बाद उनको हम एहतियात के तौर पे हम उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। उनकी मदर जिनकी डेट हो गई तो कहीं ना कहीं उनके भी से हो सकता है किंतु अभी हमने जो पता किया उसको ऐसी कोई हम लोगों को रिपोर्ट नहीं मिली कि उनको कोई कफ कोल्ड हो रहा था। वो जो था वो शायद TB का ट्रीटमेंट ले रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।